हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आई होप यू ऑल आर वेल। अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हेलो संजीव, हाय विवेक, हेलो मुकेश, हाय शेफाली, हेलो मुकेश। सो देर आर सम लर्नर्स, 6 लर्नर्स देखने को मिल रहे हैं मुझे। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हाय, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो यहाँ पे ये जो यूट्यूब सेशन रहेगा ये एमसीक्यूज पर रहेगा। इसमें हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ हम थोड़ा बहुत टॉपिक्स जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समरी, ठीक है, थोड़े से हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद हम उनके उनसे जुड़े हुए जो है वो एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के दौरान। इसमें आप देखेंगे जैसा कि टॉपिक लिखा है, प्रिलिम्स बूस्टर एमसीक्यूज बैटल इंडियन हिस्ट्री फॉर प्रिलिम्स 2021। तो हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। याद रखिए, टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कम्प्लीट नहीं होगा, कवर नहीं होगा, बल्कि जो भी टॉपिक रहेगा उसको मैं बहुत ही जल्दी एक तरीके से उस टॉपिक को ब्रशअप करने के लिए वो टॉपिक डिस्कस करूँगी और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। तो आज जो हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं वो हम शुरू करेंगे बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड से। ओके, सो आई होप आप सभी को स्लाइड जो हैं वो दिख रही होंगी। आई डू होप सो। जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन अगर आप सभी को स्लाइड्स दिख रही हैं तो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं इन यूट्यूब सेशंस के थ्रू। और सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा सेशन होगा, जो छोटा सेशन रहेगा, लगभग 30 से 45 मिनट्स का सेशन रहा करेगा, जिसमें हम टॉपिक को जल्दी से डिस्कस करेंगे और उसके बाद उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक स्टोन एज होगा। देखिए, ये रिविजन सेशन है, रिमेंबर दिस थिंग। मैं इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर नहीं करा रही हूँ, एक तरीके का रिविजन सेशन रहेगा ये 30 से 45 मिनट्स तक का। सो द थिंग इज, जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, जब हम इतिहास की बात करते हैं, तो हिस्ट्री को आप कैसे देखते हो? इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, हमारा जो पास्ट है उसको बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है, आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है और फिर आपका हिस्टोरिक पीरियड आता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड में डिफरेंस है सोर्सेज का। किन सोर्सेज को आखिर हम रेफर कर रहे हैं, किन सोर्सेज को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक तरीके से उस पर्टिकुलर पीरियड को समझने के लिए, ठीक है। तो यू विल सी दिस थिंग कि जब हम यहाँ प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो आप यहाँ पे पास्ट जो है हमारा उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ये वो समय है जिस समय में लोगों ने किसी तरह की स्क्रिप्ट को इन्वेंट नहीं किया था। इस समय के लोगों की कोई लैंग्वेज ज़रूर रही होगी जिसके ज़रिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने किसी स्क्रिप्ट को इन्वेंट नहीं किया था। इसी वजह से हमारे पास किसी भी प्रकार के रिटन एविडेंस इस प्री हिस्टोरिक पीरियड से जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, तो ये पूरा प्री हिस्टोरिक पीरियड सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर पढ़ा जाता है, हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ओके, जैसे कि आपके पास टूल्स हैं, वेपन्स हैं, इन सबको एक्सकेवेट किया गया, इन आर्टिफैक्ट्स को, टूल्स को निकाला गया, उनको इंटरप्रेट किया गया, इंटरप्रेट करके उनके इस्तेमाल को समझा गया और तब इस पीरियड को सही तरीके से समझने की कोशिश की गई। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, वैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है उसके अंडर आपका स्टोन एज आता है। ओके, स्टोन एज बेसिकली आता है आपका, और स्टोन एज की अगर हम बात करें यानी कि पाषाण काल, उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड है दैट इज ऑब्वियसली प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो समय रहा, ये जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है
ये बेसिकली वो समय रहा है जिसमें ऑब्वियसली स्क्रिप्ट जो है वो इन्वेंट कर ली गई थी, लेकिन एक तरीके से जो स्क्रिप्ट है उसको अब तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उसके जो सिंबल्स हैं उसको अब तक हम समझ नहीं पाए हैं कि उनका मतलब क्या है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड भी होता है, एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को, एक पर्टिकुलर एरिया जो है उसके इतिहास को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में तब भी डाला जाता है जब कोई और कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन यहाँ पे हो जिसके टेक्स्ट इस प्रेजेंट सिविलाइजेशन के बारे में जिक्र करें। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अच्छा एग्जाम्पल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की स्क्रिप्ट थी, वो जो स्क्रिप्ट है अगर हम उसकी बात करें तो उस स्क्रिप्ट को अगर देखा जाए तो उस स्क्रिप्ट के सिंबल्स अब तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। वो एक ऑब्वियसली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, बॉस्ट्रोफिडन स्टाइल में लिखी जाती थी, लेकिन हम उसके सिंबल्स को डिसाइफर नहीं कर पाए। इसी वजह से जो भी लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अगेन ये पीरियड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ही पढ़ा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू ही इस पीरियड को पढ़ा जाता है। यही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो टेक्स्ट हैं क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स के रूप में, उसमें मेल्लुहा का जिक्र मिलता है। और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस मेल्लुहा कोई और साइट नहीं है बल्कि मेल्लुहा पूरे प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की ही बात की जा रही है। ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पीरियड आता है दैट इज ऑब्वियसली हिस्ट्री। हिस्ट्री कौन सा पीरियड है? हिस्ट्री इज अबाउट, ये ऐसा पीरियड है जिसको देखा जाए तो इसमें आपके पास भर भर के लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको यहाँ ऑब्वियसली रिटन एविडेंस मिलेंगे, आपको यहाँ पे अकाउंट बुक्स मिलेंगी, इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, मेन्यूस्क्रिप्ट्स मिलेंगी, ये सारे के सारे रिटन सोर्सेज आपके पास अच्छे से अवेलेबल हैं और आप उन्हें रेफर करके, उन्हें यूज़ करके इस पीरियड को पढ़ सकते हैं। तो पास्ट को इस प्रकार से बांटा जाता है। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो ऑब्वियसली प्री हिस्ट्री पर रहेगा, यानी कि हम लोग स्टोन एज जो है उसकी बात करेंगे। स्टोन एज जो है, पाषाण युग जो है, ये एक ऐसा समय है जिसमें हमारे पास बहुत से टूल्स हमें मिलते हैं। उन्हीं टूल्स के इस्तेमाल को हम यहाँ इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं और इस पाषाण युग को समझने की कोशिश करते हैं। स्टोन एज को जिस तरीके के टूल्स हमें मिले हैं और उन टूल्स का जिस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता था, उस आधार पर तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला आपका पेलियोलिथिक पीरियड है, उसके बाद आपका मेसोलिथिक पीरियड आता है, और उसके बाद आपका नियोलिथिक पीरियड आता है। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन, तो पेलियोलिथिक मतलब कि ओल्ड स्टोन पीरियड, ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद मेसोलिथिक इज मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक इज न्यू स्टोन एज। इन पीरियड्स में जो टूल्स भी पाए गए हैं वो टूल्स अपने आप में बहुत ही अलग हैं, शेप और साइज में भी बहुत अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेलियोलिथिक पीरियड जो है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे जो पेलियोलिथिक पीरियड है उसको आप फर्थर टूल्स के आधार पर, उनके इस्तेमाल के आधार पर तीन हिस्सों में बांट सकते हो। पेलियोलिथिक पीरियड 2 मिलियन बिफोर कॉमन एरा से 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक रहा, और इसमें आपका लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड और अपर पेलियोलिथिक पीरियड आता है। इसमें लोअर पेलियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो ये वो दौर था, ये वो समय था जब पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो किससे ढका हुआ था? आइस से, बर्फ से ढका हुआ था। इस समय के जो हमें टूल्स मिले हैं वो साइज में काफी बड़े होते थे और वो काफी क्रूड होते थे, मतलब इतना ज्यादा शार्प टूल्स हमें नहीं मिलते। ये टूल्स जो है वो काफी साइज में बड़े हैं, और अगर इन टूल्स के इस्तेमाल को समझा जाए तो पूरी प्रकार से ये समझ आता है कि इस समय के लोग जो हैं वो शिकारी होते थे, हंटर्स होते थे, क्योंकि इनके जो टूल्स हैं, इनके जो वेपन्स हैं वो हंटिंग से ही जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पर चॉपर मिलेगा, हैंड एक्स मिलेंगे, क्लीवर्स मिलेंगे, ये यहाँ पर शिकार करने के लिए ही इस्तेमाल होते थे। सो लोअर पेलियोलिथिक पीरियड वॉज ऑल अबाउट हंटिंग, शिकार होता था, यहाँ शिकारी थे वो, हंटर्स और गैदरर्स थे वो। लोअर पेलियोलिथिक पीरियड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि सोन वैली जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, दिदवाना इन राजस्थान, मिर्ज़ापुर यूपी, और भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो भी लोअर पेलियोलिथिक पीरियड जो है उसके बारे में बहुत जानकारी देती हैं, क्योंकि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स होती थी। कैसे? जो टूल होता है
जैसे कि मान लीजिए ये आपका बेसिकली पत्थर है जिसको मुझे एक टूल के शेप में कन्वर्ट करना है, तो मैं किसी भी दूसरे शार्प पत्थर जो है उससे इसको हिट करूँगी, हिट करके ऑब्वियसली इसको शेप देने की कोशिश करूँगी। काफ़ी बार इसका सही शेप आ जाएगा, काफ़ी बार यहाँ पर मैं प्रॉपर शेप नहीं दे पाऊँगी। जब ये प्रॉपरली बन जाता है, जिस टूल में मैं इसे कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मैं उसको रख लेती हूँ, अदरवाइज मैं उसको फेंक दूंगी। तो भीमबेटका में आपको बहुत से डिस्गार्डेड टूल्स भी मिले हैं, और इसके साथ साथ ये जो फ्लेकिंग और चिपिंग हमने की है टूल्स की, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी मिले हैं। यानी भीमबेटका की गुफाएं और वहां के आसपास पाए जाने वाले जो पत्थर थे उनका इस्तेमाल इन टूल्स को बनाने के लिए होता था। इसके साथ भीमबेटका की गुफाएं रहने के लिए भी इस्तेमाल में ली जाती थी। सो दिस इज लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। लोअर पेलियोलिथिक पीरियड या पेलियोलिथिक एज इज ऑल अबाउट हंटर्स। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे पीरियड आता है, दैट इज मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड। मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो इस समय के जो टूल्स हैं वो काफ़ी छोटे हो गए इन कंपैरिजन टू लोअर पेलियोलिथिक एज, और काफ़ी हल्के हो गए। क्या हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये जो टूल्स हैं ये हमें इवोल्यूशन के बारे में भी काफ़ी जानकारी देते हैं? मनुष्य ह्यूमंस जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, उस इवोल्यूशन को हम कैसे समझ सकते हैं? टूल्स के जरिए। टूल्स में ही जो मनुष्य हैं, आदिम मानव हैं, वो अपनी स्किल्स को दर्शा पा रहे हैं। यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज तक आते आते वो और ज़्यादा स्किलफुल हो गए हैं, उनके जो यहाँ पे टूल्स हैं वो और ज़्यादा छोटे और हल्के हो गए हैं, साइज में बेहतर हो गए हैं। तो वो जो इवोल्यूशन है, वो जो स्किल्स हैं, वो इनके टूल्स में हमें नज़र आती है। तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड भी हंटिंग और गैदरिंग से ही जुड़ा हुआ था, और नर्मदा वैली और तुंगाभद्रा वैली के आसपास आपको इससे जुड़े हुए टूल्स देखने को मिलेंगे। देन कम्स अपर पेलियोलिथिक एज, 40,000 से 10,000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में, और ये वो समय है जिस समय टूल्स और ज़्यादा बेहतर हो गए, और ज़्यादा शार्प हो गए, और ज़्यादा हल्के हो गए। यही नहीं, इस पीरियड तक आते आते जो आदि मानव थे उन्होंने अपने आप को पेंटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करना भी शुरू कर दिया। ओके, तो यू विल सी दिस थिंग कि उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया, उन्होंने यहाँ पर दीवारों पे पेंट करना शुरू किया नेचुरल कलर्स के जरिए। और इस समय तक आते आते आपको होमो सेपियंस का जो स्पीसी है मनुष्यों का, वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जस्ट सी दिस थिंग, यहाँ पे हम एप्स जो हैं उनसे इवॉल्व हुए हैं, और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। बेसिकली होमो इरेक्टस वो स्पीसी है ह्यूमंस का, जिस समय हमारी जो यहाँ पे कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी, इसी वजह से हम उसको इरेक्टस कहते हैं, इरेक्ट हो गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पीसी आता है वो है होमो सेपियंस, और फिर आता है होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस का मतलब होता है वाइजर, वाइजर बीइंग बेसिकली। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसका साइज भी धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अपर पेलियोलिथिक पीरियड वो समय है जिस समय होमो सेपियंस, ये जो पर्टिकुलर स्पीसी है मनुष्य की, वो यहाँ पर देखी गई। और इसके साथ साथ ये जो अर्ली ह्यूमंस थे इन्होंने अपने आप को पेंटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करना भी स्टार्ट कर दिया। सो दिस पेलियोलिथिक एज इज ऑल अबाउट हंटिंग। ये सब हंटिंग ही करते हैं, ये सब शिकार ही करते हैं, शिकार करते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे करके आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे करके टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो आस पास नए नए तरह के जीव जंतु पैदा होते हैं, नए नए तरह के पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर देखोगे। सो यू विल फाइंड दिस थिंग कि ये सारी चीज़ें मेसोलिथिक एज में हो रही थी। मेसोलिथिक एज इज ट्रांजिशन फेज, इसको हम ऑब्जर्वेशन पीरियड भी कह रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे कि फलदार वृक्ष आने लग गए हैं, फलदार पेड़ आने लग गए हैं। वो फल नीचे गिरता है, उसके बाहर का आउटर पार्ट सड़ जाता है, उसके अंदर बीज निकलता है, वो बीज मिट्टी से मिक्स होता है और उसी में से एक और नया पेड़ जो है वो उगना शुरू होता है। तो मेसोलिथिक एज में ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो इस समय के जो लोग हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कैसे जानवर खुद ही मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं रिप्रोडक्शन के जरिए, तो उन्होंने जानवरों का पालन भी शुरू कर दिया।
सो पेलियोलिथिक एज अगर हंटिंग से जुड़ा है तो मेसोलिथिक एज ऑब्जर्वेशन से जुड़ा है, अपने आसपास होने वाली चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जानवरों को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करते हैं, वो उन सीड्स को कलेक्ट करना शुरू करते हैं, चीज़ों को वो सीख रहे हैं और यही चीज़ें सीख कर वो फाइनली नियोलिथिक पीरियड में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे जब वो खेती करना शुरू कर देंगे। उन्हीं सीड्स को जिन्हें उन्होंने इकट्ठा किया था उन्हीं को वो यहाँ पर बोना शुरू कर देंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। इसी वजह से मेसोलिथिक एज को ट्रांजिशन फेज माना जाता है जिसमें आदिम मानव जो है वो हंटर्स से एग्रीकल्चरलिस्ट बनेंगे, सेटल लाइफ जीना शुरू करेंगे। सो दिस मेसोलिथिक पीरियड इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। टेम्परेचर का बढ़ना इस समय में हो रहा है, इस समय के जो टूल्स हैं वो अभी भी हंटिंग से ही जुड़े हुए हैं बट स्टिल यहाँ पर इन्होंने जानवरों का पालन भी शुरू कर दिया है। टू वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि मेसोलिथिक एज में आती हैं तो वो हैं बदौर जो राजस्थान में है और आदमगढ़ जो कि MP में। मेसोलिथिक एज में भी आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज जो देखने को मिलेगी वो है पेंटिंग्स। इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया थ्रू पेंटिंग्स और इन पेंटिंग्स में सारे नेचुरल कलर्स का ही यूज होता था। यहाँ पे रेड ऑकर का इस्तेमाल है, वाइट कॉन्च शेल का इस्तेमाल है और उसी के जरिए वो एक्सप्रेस कर रहे हैं बेसिकली। इन पेंटिंग्स के जरिए कुछ आइडिया हमें मिला कि ये लोग किन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे। जैसे इनसे हमें पता चलता है कि ये हंटिंग भी करते थे, ये यहाँ पर कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए भी देखे जा सकते हैं, ये युद्ध लड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। तो ये पेंटिंग्स काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत जानकारी हमें ज़रूर देती हैं कि ये किन चीज़ों में इन्वॉल्व होते होंगे। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। सबसे पहला तरीका अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो कि इन आदिम मानव इन लोगों के द्वारा अपनाया गया। देन कम्स नियोलिथिक एज। जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी चीजें इन्होंने मेसोलिथिक पीरियड में ऑब्जर्व की उसी को ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, किसमें? नियोलिथिक एज में। तो नियोलिथिक एज जो है उसमें ऑब्वियसली अब ये फसल उगाना शुरू करेंगे, अब ये खेती शुरू करेंगे एंड यू विल सी दिस थिंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर उन्हें खेती करनी है तो खेती करते टाइम उनको उस फसल जो है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए उन्हें अब एक सेटल लाइफ जीनी होगी। सेटल लाइफ जीनी है तो उन्हें घर बनाने पड़ेंगे। अगर वो खेती कर रहे हैं, ग्रेन्स उगा रहे हैं तो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए उन्हें पॉट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो पॉटरी है, घरों का कंस्ट्रक्शन है, सेटल लाइफ है, जानवरों का डोमेस्टिकेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस समय में होने लग जाती है नियोलिथिक पीरियड में। देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स नियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें, जैसे कि बुर्जाहोम, जिसमें आपको पिट हाउसेस के एविडेंस मिलते हैं। बुर्जाहोम में आपको मास्टर के साथ डॉग्स जो हैं उनको भी दफनाया गया, इस तरह के एविडेंस भी मिलते हैं। गुफ कराल इज अनदर साइट जो जम्मू एंड कश्मीर में देखी जा सकती है, जिसमें अगेन पिट हाउसेस के एविडेंस आपको मिलेंगे, खेती के एविडेंस आपको मिलेंगे। मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में आपको बहुत सारे सिस्ट बरियल मिलते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को अब दफनाया गया जो छोटी एज में मृत्यु हो जाती थी। और सारी डेड बॉडीज जो मेहरगढ़ में पाई गई हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी कि इस समय तक कुछ ना कुछ बिलीव्स, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ ना कुछ फेथ जो है वो भी यहाँ पर इस समाज में डेवलप होने लगा था। इसी वजह से सारी डेड बॉडीज मेहरगढ़ में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। मेहरगढ़ में रेक्टेंगुलर हाउसेस के भी एविडेंस मिलते हैं। चिरांद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पर नियोलिथिक सेटलमेंट्स की अगर हम बात करें। चिरांद से आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोन के टूल्स नहीं मिलते बल्कि आपको बोन्स के टूल्स भी मिलेंगे। दाउजली हेडिंग में आपको मोर्टर और पेस्टल मिलते हैं। आपने यहाँ देखा होगा नॉर्मली घरों में इस तरीके का सिलवट्टा आपने देखा होगा जरूर, इस तरीके का पत्थर होता है, बेस होता है, उसके ऊपर एक और पत्थर होता है। यहाँ पर आप अपने हर्ब्स डालते हैं या जो भी चीज़ें डालते हैं और बड़े वाले पत्थर से उसके ऊपर इस तरह से पीसते हैं। तो ये जो सिलवट्टा है या फिर जो मोर्टर पेस्टल है दाउजली हेडिंग से हमें मिला, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये अनाज उगाते नहीं थे, उसकी प्रोसेस भी करते थे उसको। देन पिकलीहल इज अनदर साइट जिसमें हमें सीजनल कैंप्स के एविडेंस मिलते हैं, यानी कि पिकलीहल में झूम कल्टिवेशन या शिफ्टिंग कल्टिवेशन जैसे एविडेंस हमें मिलते हैं। नॉर्मली पिकलीहल में किस तरह के एविडेंस मिले हैं, ये लोग क्या करते थे, ये एक जगह चुन लेते थे, उसकी फेंसिंग करते थे। फेंसिंग करने के बाद जो भी जानवरों को ये पाल रहे हैं उनका जो डंग होता है एक्सक्रीटा,
उसको यहाँ पर इसके अंदर वो स्टोर करते थे, उसको वो ड्राई होने देते थे, और ड्राई होने के बाद बेसिकली आप देखेंगे कि वहाँ उस पैश्ड एरिया में वो आग लगा देते थे। आग लगाने के बाद जो राख होती थी उसको मिट्टी से मिक्स करके वहाँ पर खेती करते थे, और फिर उस एरिया को छोड़कर यही प्रोसेस आगे अपनाते थे। तो थोड़ा सा स्लैश एंड बर्न टेक्निक का इस्तेमाल ये करते थे, क्योंकि उस एरिया को जलाया जाता था, इसी वजह से बर्नड पैचेस के मार्क्स हमको पिकली हल में मिले हैं। तो इस तरह की कल्टिवेशन वो किया करते थे। दीज आर सम ऑफ दी न्योलिथिक साइट्स, इंपॉर्टेंट न्योलिथिक साइट्स जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा कुरनूल की गुफाएं, जहाँ पर आपको फायर के एविडेंस मिलेंगे। हलूर इज ऑल्सो वन ऑफ दी साइट्स, जहाँ पर आपको लाइम स्टोन के जो टूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ये जितने भी टूल्स इस पीरियड में पाए जा रहे हैं, ये खेती से जुड़े थे, यानी पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स हंटिंग से जुड़े हुए थे। मेसोलिथिक पीरियड के टूल्स भी हंटिंग से थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी किया जानवरों का। नियोलिथिक फेज तक आते आते ये लोग एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए, इन्होंने जो भी चीज़ें मेसोलिथिक पीरियड में ऑब्जर्व की उसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट रीकैप ऑफ स्टोन एज, और इस छोटे से रीकैप के बाद, इस छोटी सी समरी के बाद, अब बारी आती है MCQs की। मैं आपको बताना चाहूँगी कि रोज 9:30 पर 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए मैं इसी तरह से छोटी छोटी कैप्सूल्स लेकर आऊँगी, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे अलॉन्ग विद सम MCQs। हम MCQs भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमने एक छोटा सा रिकैप ले लिया है, छोटा सा समरी हमने यहाँ पर देख ली है इस पर्टिकुलर पीरियड की। नाउ लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट सम MCQs इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ओके, सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ऋतुराज, ये लाइव क्लास चल रही है, मैं आप सभी को देख सकती हूँ। विवेक, बॉस्ट्रोफिडन स्टाइल जो है उसका मतलब होता है जिगजैग पैटर्न में लिखना, यानी कि जैसे ARTI, यहाँ पे मेरा नाम खत्म हो गया, लेटर खत्म हो गया, तो मैं बिल्कुल उसके नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दूंगी। दिस इज वॉट बॉस्ट्रोफिडन स्टाइल इज। ओके, अबूगीडा राइटिंग इज विवेक डिफरेंट। उसमें क्या होता है, अबूगीडा का मतलब होता है वेन यू हैव डिफरेंट सिम्बल्स फॉर कॉन्सोनेंट्स एंड डिफरेंट सिम्बल्स फॉर वोवल्स। AEIOU, उसके लिए अलग सिम्बल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग सिम्बल्स हैं, वो राइटिंग जो है वो अबूगीडा राइटिंग कहलाती है। ठीक है, सो शुरू करें। जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन कमेंट सेक्शन अगर हम लोग यहाँ पे MCQs जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, MCQs की शुरुआत कर सकते हैं। तो जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। आर यू ऑल रेडी? ये छोटा सा रिकैप तो हमने कर लिया है, अब हम थोड़ा सा MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, सो आप मुझे रोज ज्वाइन कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो हियर वी गो, शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, सो ये हमारा आज का सेशन 1 है प्री हिस्ट्री का। आप सब लोग आंसर्स सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि और कोई जरिया है भी नहीं आंसर देने के लिए। ठीक है, नाउ दिस देयर इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एंड दैट इज ऑब्वियसली दिस वन। नाउ व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पीरियड यू वुड चूज फॉर द बिगिनिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 3000 बिफोर कॉमन एरा, 5000 बिफोर कॉमन एरा, 9000 बिफोर कॉमन एरा, 15000 बिफोर कॉमन एरा, इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट पीरियड कौन सा लगता है जब भारत में खेती की शुरुआत हुई होगी? सवाल आज के सिर्फ स्टोन एज से जुड़े होंगे। जस्ट लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। यस एवरीवन, ओके, जस्ट लेट मी नो, मैं थोड़ा देख लूंगी। ओके, याद रखें खेती की शुरुआत पूछी जा रही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब हुआ आपको क्लोजेस्ट आंसर देना है, बहुत ही क्लोजेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है इनमें से, और इनमें से सबसे जो क्लोजेस्ट हमारे पास यहाँ पर जवाब है, जहाँ खेती की शुरुआत होती हुई हमें नजर आती है, वो है 9000 बिफोर कॉमन एरा। मैं क्लोजेस्ट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज स्टोन एज में जितने भी यहाँ पर
पीरियड्स दिए गए हैं वो अप्रोक्सीमेट पीरियड्स हैं, 10 मिलियन बिफोर, 2 मिलियन बिफोर कॉमन एरा से लेकर लगभग 12,000 या 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक पेलियोलिथिक एज मानी जाती है, 12,000 से लगभग 8,000 तक या फिर 12,000 से 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक यहाँ पर मेसोलिथिक पीरियड माना जाता है, और 10 से 8,000 बिफोर कॉमन एरा के बाद आपको नियोलिथिक एज देखने को मिलेगा। और नियोलिथिक पीरियड हम सब लोग जानते हैं कि नियोलिथिक फेज ही वो फेज है जब खेती की शुरुआत हुई। तो इन सारे ऑप्शंस में 9,000 ही हमारे पास सबसे क्लोजेस्ट आंसर है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। ओके, सो हियर वी गो। भीमबेटका केव्स शोज द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम द लोअर पेलियोलिथिक पीरियड टू द मेसोलिथिक पीरियड टू द चालकोलिथिक पीरियड, व्हाई? ऐसा क्यों है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें हमें प्रॉपर मानव जाति जो है उसका इवोल्यूशन होता हुआ देखने को मिलता है, लोअर पेलियोलिथिक पीरियड का फेज भी देखने को मिलता है, मेसोलिथिक पीरियड का फेज भी देखने को मिलता है, चालकोलिथिक पीरियड का फेज भी देखने को मिलता है एक ही जगह पर, उसके पीछे के क्या कारण है? पहली स्टेटमेंट, इट कंटेन्स एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल दीज पीरियड्स। सेकेंड स्टेटमेंट, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ शंख लिपि इंस्क्रिप्शंस इन द भीमबेटका क्लस्टर ऑफ रॉक शेल्टर्स। इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है सेकेंड क्वेश्चन को लेकर? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें आपको ह्यूमन इवोल्यूशन की कंटिन्यूटी क्यों देखने को मिलती है? यस एवरीवन, उमेश, नंद किशोर ए कह रहे हैं, विवेक का कहना है दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ दी लर्नर्स? रेस्ट ऑफ दी लर्नर्स, आप सभी पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? जल्दी जल्दी फास्ट। निवेदिता का आंसर इज ऑल्सो ए। आई कैन एक्चुअली सी 24 लर्नर्स लाइव बट बहुत कम लर्नर्स आंसर दे रहे हैं। द आंसर इज ए, क्योंकि हम सब जानते हैं भीमबेटका का एक प्री हिस्टोरिक साइट है, और प्री हिस्टोरिक साइट होने के वजह से वी ऑल नो कि भीमबेटका से जुड़ी हुई कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से वो प्री हिस्टोरिक साइट है। ओके, आंसर इसका ए होगा, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली बात है कि इन तीनों पीरियड से जुड़े हुए हमारे पास टूल्स हैं और बाकी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ भीमबेटका में मिली है, और इसी वजह से भीमबेटका जो है उसमें आपको ह्यूमन इवोल्यूशन की कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चालकोलिथिक पीरियड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने चालकोलिथिक पीरियड को रिवाइज नहीं किया है। नाउ देयर इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ दीज आर दी चीफ डिफरेंसेस बिटवीन मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर? मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर में इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो चीफ डिफरेंसेस मानी जा सकती हैं? हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ बिगिन नॉट बिफोर दी नियोलिथिक पीरियड। हंटिंग गैदरिंग, शिकार करके जीवन यापन करना नियोलिथिक पीरियड से पहले शुरू नहीं हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट, मेसोलिथिक कल्चर्स डिड नॉट प्रैक्टिस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अनलाइक नियोलिथिक पीपल। मेसोलिथिक पीरियड के जो लोग हैं वो पशुपालन नहीं करते थे जो कि नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ। थर्ड स्टेटमेंट, द यूज ऑफ बो एंड एरो कैन नॉट बी फाउंड इन मेसोलिथिक कल्चर। बो एंड एरो, तीर कमान का इस्तेमाल मेसोलिथिक कल्चर में नहीं पाया जाता, वो भी नियोलिथिक फेज में ही स्टार्ट हुआ। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, एविडेंस ऑफ पॉटरी इज एब्सेंट फ्रॉम नियोलिथिक कल्चर बट इज मार्कली फाउंड इन मेसोलिथिक कल्चर। वॉट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो एक्चुअल में डिफरेंस है बिटवीन मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर? यस एवरीवन, इनमें से कौन, कितनी स्टेटमेंट्स आप मान सकते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट्स मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर के बीच में डिफरेंस पता करने में मदद कर रही हैं या डिफरेंस हैं? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? ओके, सुमित ने आंसर दे दिया है फोर्थ का बी। व्हाट एल्स, रेस्ट ऑफ द लर्नर्स का क्या कहना है?
ध्यान से पढ़ लीजिए इन स्टेटमेंट्स को एक बार और एंड जस्ट लेट मी नो द आंसर. ओके, शिवम कुमार का आंसर इज ऑल्सो बी, विवेक का आंसर इज ऑल्सो बी, उमेश का आंसर ए है, नंद किशोर पटेल का आंसर डी है. चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं. क्या पहली स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. हंटिंग और गैदरिंग की शुरुआत नियोलिथिक फेज में नहीं हुई, हंटिंग और गैदरिंग की शुरुआत पैलियोलिथिक फेज में हुई है. सेकेंड स्टेटमेंट, मेसोलिथिक कल्चर डिड नॉट प्रैक्टिस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो कि नियोलिथिक फेज में शुरू हुआ. सेकेंड स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मेसोलिथिक कल्चर में जानवरों के पालन यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंस हमें आदमगढ़ और बदौर में मिलते हैं. तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत होगी. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड स्टेटमेंट, द यूज ऑफ बो एंड एरो कैन नॉट बी फाउंड इन मेसोलिथिक कल्चर. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाई थी. इफ यू रिमेम्बर, हमने थोड़ी देर पहले कुछ पेंटिंग्स देखी थी मेसोलिथिक पीरियड से जुड़ी हुई, और उन पेंटिंग्स में आपने कुछ फिगर्स को देखा होगा जिनके हाथ में तीर कमान थे, यानी मेसोलिथिक कल्चर में एरो और बो का इस्तेमाल होता था. इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है. फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉटरी न्योलिथिक कल्चर में थी. न्योलिथिक कल्चर में क्योंकि खेती की शुरुआत हुई, उन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ही यहाँ पर पॉटरी सामने आई, और जो पॉटरी है वो हैंडमेड भी थी और व्हील मेड भी थी. हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो डी होगा. ओके, सो जितने भी लर्नर्स हैं, जैसे यहाँ पे पूजा, निवेदिता, नंद किशोर, इन सभी लर्नर्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. ओके, ग्रेट ग्रेट. नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. यहाँ पर ये कुछ सवाल हैं जो कि ओके आज के प्री हिस्टोरिक फेज से जुड़े हुए सिर्फ इतने ही सवाल. कल का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग ऑब्वियसली प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है उसका क्विक रिकैप करेंगे, और उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए एमसीक्यूज भी हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए आज के सेशन में इतना ही. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपकमिंग बैचेस के बारे में. ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो कि अनअकैडमी प्लस पर आ रहे हैं 2022-23 के एस्पिरेंट्स के लिए. दीज आर दी बैचेस. ये एक साल का बैच कोर्स है इंग्लिश और बाइलिंगुअल दोनों में. ये दो साल के बैच कोर्सेज हैं इंग्लिश और बाइलिंगुअल दोनों में, और ये एनसीईआरटी बैच कोर्सेज हैं इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में आपको मिलेंगे. आप अनअकैडमी प्लस को अगर सब्सक्राइब करें तो सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं. आप यहाँ पे रेफरल कोड ARTI 1702 का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. एंड यस, इसके अलावा 14th of February को अनअकैडमी कॉम्बैक्ट है, इसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ना भूलें सुबह 11 बजे. एंड लेट्स क्रैक इट. सो थैंक यू सो मच. आई होप आप सभी लोग कल भी ज्वाइन करेंगे. कल रात 9:30 बजे एक बार फिर से हम जल्दी से क्विक समरी करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और उसके बाद उसके कुछ MCQs हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड. टेक केयर. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. थैंक यू सो मच. हाँ, रोज होगा मुकेश ऑब्वियसली. और अभी रात 10:30 बजे मेरी स्पेशल क्लास है. आप सभी लोग मेरी स्पेशल क्लास का पार्ट बन सकते हैं. अनअकैडमी पर जाइए और मेरी रात 10:30 बजे की स्पेशल क्लास को ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम लोग सारे MCQs जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स 2021. सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड. टेक केयर.